आज से 13.8 अरब साल पहले एक बहुत ही बड़े एक्सप्लोजन में हमारे यूनिवर्स का जन्म हुआ था। तब से लेकर आज तक यह फैलता जा रहा है। क्या यह कहना पूरी तरह से सही है या इन वीडियोस के मुताबिक एक सफेद झूठ? फ्रेंड्स, बिग बैंग थ्योरी का जब से जन्म हुआ है तब से लेकर आज तक कोई ना कोई इसे डिस्प्रूव करने की कोशिश में लगा रहा है। एंड ऑनलाइन डिबेट्स को तो छोड़ ही दो, कितने आर्स अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में परहैप्स दूसरे साइड को यह कन्विंस करने में वेस्ट किया होगा कि भाई बिग बैंग थ्योरी गलत नहीं है। एंड उन सभी कन्वर्सेशन में एटलीस्ट एक बार इन वीडियोस का जिक्र तो जरूर होता है। साइंस के इतने मॉडर्न और एडवांस होने के बावजूद हमारे पास सभी सवालों के आंसर नहीं है। एंड दैट्स ओके, साइंस किसी तरह का बुक नहीं बल्कि एक जर्नी है। जैसे जैसे और रिसर्चेज होंगी वैसे वैसे हमें इन सवालों के जवाब भी मिलेंगे। बट जस्ट बिकॉज एक थ्योरी कुछ सवालों के आंसर नहीं दे पाती है इसका ये मतलब नहीं कि ये थ्योरी गलत है, उसे इनकम्प्लीट कह सकते हो। एंड इनकम्प्लीट इन द सेंस कि बिग बैंग के फर्स्ट कुछ माइक्रोसेकंड वाले इंटरवल में क्या हुआ था इसका जवाब हमें बिग बैंग मॉडल नहीं देती। एंड उसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न है, इस वक्त हमारा यूनिवर्स बहुत ही हॉट, डेंस और स्मॉल था। एंड इसके इतने स्मॉल होने की वजह से ग्रेविटी के क्वांटम इफेक्ट्स को इग्नोर नहीं कर सकते। बट सारे प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। इस वक्त हमारे पास ऐसी क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी नहीं है जिसे एक्सपेरिमेंटली टेस्ट और ऑब्जर्व किया गया हो। एंड जब तक ऐसा नहीं होता तब तक ये बस एक हाइपोथेसिस या थ्योरी ही है। स्ट्रिंग थ्योरी, लूप क्वांटम ग्रेविटी या इमर्जेंस थ्योरी, ये सभी यूनिवर्स की अलग अलग कहानी नहीं बताते, इंस्टेड हमारे बिग बैंग मॉडल को एक्सटेंड करते हैं। बट वॉट एवर द रीज़न, जब तक हम इन एक्सपेरिमेंटली टेस्ट या ऑब्जर्व ना कर ले इनमें से किसी पर फेथ रख के सही नहीं मान सकते। फ्यूचर के आने वाले वीडियोज़ में हम ये थ्योरीज कैसे बिग बैंग को एक्सटेंड करते हैं यह जरूर जानेंगे। बट आज कुछ ऐसे रीजंस को डीमिस्टिफाई करने वाले हैं जिसे अक्सर बिग बैंग थ्योरी को गलत प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। बट वो रीजन से खुद गलत हैं या एक मिसकंसेप्शन। मैं हूं आपका न्यू फ्रेंड चंद्र, चलिए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर वन, बिग बैंग के अनुसार पूरे यूनिवर्स का मैश एक पॉइंट में समाया हुआ था एंड उस पॉइंट में एक विस्फोट हुआ एंड वो विस्फोट इतना तेज था कि ये सारा मैटर लाइट की स्पीड से बाहर निकला। ये सुनने में काफी लॉजिकल भी लगता है, बट ये पॉपसेंस वर्जन है जिसे सोशल मीडिया या डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए काफी फेमस किया गया है। बट असल में बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स के ओरिजिन की कहानी नहीं बल्कि इसके एवोल्यूशन की हिस्ट्री है। एंड ये बात एक सिंपल सा गूगल सर्च और थोड़ा सा रिसर्च आपको बता सकता है। जैसे हम विकिपीडिया पर नीचे मिसकंसेप्शन वाले पार्ट में या हार्वर्ड की इस वेबसाइट पे साफ साफ लिखा है कि बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स के ओरिजिन की कहानी नहीं बल्कि यह इस बात का डिस्क्रिप्शन देती है कि कैसे हमारा यूनिवर्स एक छोटे से साइज से इवॉल्व होकर इतना ह्यूज और ब्यूटीफुल प्लेस बन गया है। नाउ यह तो प्रॉब्लम के फर्स्ट लाइन का आंसर था जो गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से प्रोड्यूस हुआ था। नेक्स्ट, इस बिग बैंग के इंस्टेंट मैटर जिस स्टेट में आप सोच रहे हो वैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता था। एक उस वक्त मैटर भी नहीं था बल्कि इस समय सिर्फ एनर्जी था जो स्पेस टाइम और दूसरे क्वांटम फील्ड्स में मौजूद था। इसी एनर्जी की वजह से क्वांटम फ्लक्चुएशन हुआ एंड हेंस यूनिवर्स में मैटर का फॉर्मेशन, ना कि ये सब एक पॉइंट में समाया हुआ था एंड फिर एक एक्सप्लोजन से ये सभी लाइट की स्पीड से बाहर की ओर निकले। प्रॉब्लम नंबर टू, आपने देखा होगा कि जब एक पटाखे में एक्सप्लोजन होता है तो उसके पार्टिकल सेंटर से दूर भागते हैं एंड उसके सेंटर में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। क्योंकि पटाखे का एक्सप्लोजन एटमॉस्फेयर में हुआ था, इस वजह से एटमॉस्फेयर के एयर प्रेशर से वो वैक्यूम तुरंत खत्म हो जाता है। बिग बैंग में भी तो एक पॉइंट पे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था और इतना तेज हुआ कि मैटर लाइट की स्पीड से बाहर क्यों निकला और आज भी यूनिवर्स फैलता जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि जैसे पटाखे के सेंटर में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है वैसे ही बिग बैंग के कारण एक बहुत बड़ा वैक्यूम स्पेस क्रिएट हुआ होगा और वो वैक्यूम स्पेस बड़ा ही होता गया होगा क्योंकि उसे खत्म करने वाला नेट एक्सटर्नल प्रेशर नहीं था। इसलिए अगर बिग बैंग थ्योरी सही है तो ऐसा ही एक वैक्यूम या वॉइड यूनिवर्स में एग्जिस्ट करना चाहिए जो हमारे यूनिवर्स के एक्सपेंशन के साथ साथ बड़ा होता जा रहा हो। जैसे फायरवर्क के बर्स्ट होने पर एक वैक्यूम का फॉर्मेशन होता है वैसे ही बिग बैंग के साथ एक वैक्यूम या वॉइड का फॉर्मेशन होना चाहिए था, राइट? बट आई होप ये इतना सिंपल होता। बिग बैंग थ्योरी ने इस एक्सप्लोजन वाली बात को कहीं भी नहीं कहा है एंड ये एक एक्सप्लोजन नहीं बल्कि एक्सपेंशन था। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि बिग बैंग उस इवेंट का नाम है जब यूनिवर्स ने इनिशियली एक्सपैंड करना स्टार्ट किया था एंड जब किसी तरह का एक्सप्लोजन हुआ ही नहीं था तो किस बात का वॉइड? वेल, इस चीज को हम दूसरे तरह से भी काउंटर कर सकते हैं। जैसे कि जैसा उन्होंने बताया कि मैटर एक छोटे से पॉइंट में समाया हुआ था एंड फिर एक एक्सप्लोजन के साथ हमारे यूनिवर्स में फैला, विच इज ऑब्वियसली रॉन्ग। बट अगर ये सच में सारा मैटर एक छोटे से पॉइंट में समाया हुआ था तो क्या वो कभी एक्सप्लोड करेगा? सोचो जरा, जनरल रिलेटिविटी हमें बताती है कि अगर आप बहुत सारा मैटर एक छोटे से पॉइंट पर रखोगे तो वह क्लैम्प करके एक ब्लैक होल बनाएगा एंड ब्लैक होल्स कभी एक्सप्लोड नहीं करते इवन विद हॉकिंग रेडिएशन।
प्रॉब्लम नंबर 3, पूरे यूनिवर्स का एक पॉइंट में समा जाना गलत है। वेल, इस बात से तो हम भी एग्री करते हैं। आप किसी भी ट्रस्टेड सोर्स पे चेक कर लो, जैसे कि हार्वर्ड का यह ब्रीफ आंसर टू कॉस्मिक क्वेश्चन वाला वेब पेज। यहाँ कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि बिग बैंग थ्योरी ने ऐसा कहा है कि आपके आसपास की हर चीज़ एक छोटे से पॉइंट से इवॉल्व हुआ है, बल्कि स्पेस टाइम और दूसरे क्वांटम फील्ड्स में शुरू से ही एनर्जी मौजूद था जो क्वांटम फ्लक्चुएशन की वजह से पार्टिकल्स में बदला। क्वांटम फ्लक्चुएशन में मैटर और एंटी मैटर इक्वल अमाउंट में बने थे, फिर कैसे हमारे यूनिवर्स में मैटर का डोमिनेंस हो गया? यह प्रॉब्लम बिग बैंग थ्योरी का जेन्युइन प्रॉब्लम है जो मैटर एंटी मैटर एसिमेट्री के नाम से जाना जाता है। वेल, साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि बिग बैंग के बाद जो इन्फ्लेशन या रैपिड एक्सपेंशन हुआ था, उससे मेजॉरिटी ऑफ एंटी मैटर अपने पार्टिकल पेयर से दूर चले गए होंगे एंड मे बी समय के साथ साथ दूसरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का पार्ट बन गए होंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि उस वक्त रियली हाई एनर्जी होने की वजह से कुछ ऐसे इवेंट्स भी हुए होंगे जिसने क्वांटम फ्लक्चुएशन का यह सिमेट्री को ब्रेक कर दिया एंड इससे इस क्वांटम फ्लक्चुएशन में ज़्यादातर पार्टिकल्स बने। फ्रेंड्स, फिलहाल आप इन दोनों आइडियाज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि इन्हें अभी एक्सपेरिमेंटली टेस्ट नहीं किया गया है। सो हमारे लिए यह बस एक पॉसिबल सॉल्यूशन है एंड जब तक उस एनर्जी स्केल को रीच करके हम इन्हें टेस्ट नहीं कर लेते कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, तब तक हमें इनके गलत होने की पॉसिबिलिटी के लिए भी ओपन रहने की ज़रूरत है। एनीवेज, हियर इज द लास्ट वन, प्रॉब्लम नंबर 4। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार डेंसिटी, मास, टेम्परेचर इनफाइनाइट था। जैसे ही बिग बैंग हुआ तुरंत सब फाइनाइट हो गया, तो एनर्जी कंजर्वेशन के अनुसार बिग बैंग गलत प्रूफ हो गया। वही बात में तो दम है, बट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डेंसिटी, मास और टेम्परेचर के बारे में कब से चिंता करने लगा? जहां तक एनर्जी के कंजर्व होने का सवाल है, साइंटिस्ट ऐसा बिलीव करते हैं कि पूरे यूनिवर्स का टोटल एनर्जी जीरो था, है और रहेगा। वेल, फिलहाल तुम इस बात को मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर सकते, परहैप्स इन द फ्यूचर कोई ऐसा कर दे या इसके ऑपोजिट भी प्रूव कर दे कि बिग बैंग थ्योरी के अजम्पशन एंड कंक्लूजन्स को मानते हुए पूरे यूनिवर्स का हैमिल्टोनियन टाइम एसिमेट्रिक होगा या सिंपल लैंग्वेज में एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। यह हाइपोथेसिस कि पूरे यूनिवर्स का टोटल एनर्जी जीरो है, ऑब्वियसली जीरो एनर्जी हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। इसके मुताबिक एनर्जी दो फॉर्म में स्टोर होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसका पॉजिटिव वाला पार्ट दूसरे क्वांटम फील्ड्स में पार्टिकल्स के रूप में मौजूद है, तो वहीं इसका नेगेटिव वाला पार्ट स्पेस टाइम में। बिग बैंग थ्योरी यानी वो आइडिया कि हमारा यूनिवर्स हॉट डेंस स्टेट से इवॉल्व हुआ था, बस एक हाइपोथेसिस ही नहीं है। इसने कई सारी अग्नि परीक्षाओं को दिया है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को सक्सेसफुली पास किया है, वन ऑफ देम बीइंग CMB। CMB क्या है और कैसे बिग बैंग को कन्फर्म करता है, यह आप हमारे लास्ट वीडियो में देख सकते हो जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में दिया है। एनीवेज, यही एक्सपेरिमेंटल टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन हमारे साइंस को बहुत ही खास बनाते हैं। आफ्टर ऑल, इंसान का दिमाग ब्रह्मांड को समझने में गलती कर सकता है, बट केयरफुल एक्सपेरिमेंट से सामने आने वाली बात कभी गलत नहीं हो सकती। अब अगर आपको कोई साइंटिफिक थ्योरी समझ नहीं आई तो इसका ये मतलब नहीं कि थ्योरी गलत है, इंस्टेड यह आपको और रिसर्च करने की बात कह रहा है। सो फ्रेंड्स, एट द एंड हम इस बात को इम्फेसिस देने की कोशिश करेंगे कि जब तक किसी थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर दिया जाता, तब तक वो बस एक थ्योरी है, रियलिटी नहीं। अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। टिल देन, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग। जय हिंद।